दो हफ्ते की ब्रेक के लिए बहुत ज्यादा माजरत। पहले हफ्ते में लाहौर बंद था और दूसरे में मुझे पासपोर्ट की तस्वीर खिंचवाने के लिए शेव करवानी पड़ गई, जिसके बाद मेरा मुंह ऐसा ठंडी इस्त्री वर्गा लग रहा था कि टीम ने फैसला किया कि एपिसोड ड्रॉप करना बेहतर है। मैं हूं अली आफताब सईद और यह है पटारी टॉप 5। सजनी और थामलो में से जो भी गाना इस दफा टॉप 5 में है वो पहले लगा लो ताकि हम आगे चले। सॉरी, लेकिन पिछले 5 हफ्तों से इन दोनों गानों का वारी वट्टा लगा हुआ है, इसलिए मेरा कुछ ज्यादा कसूर नहीं है। नंबर 4 पे आपने सरप्राइज ही दे दी है, फ्यूजन का आंखों के सागर। ए कितों याद आ गया तानू, चेक करें। इस गाने की बैक स्टोरी ये है कि शफकत खान साहब शालम के साथ एमन में इंप्रोवाइज कर रहे थे जब ये धुन बन गई। बाद में जब इसके लिरिक्स लिखे गए तो वो सबको इतने पसंद आए कि हालांकि इस एल्बम के ज्यादातर गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, लेकिन फिर भी एल्बम का नाम रखा गया सागर। जा पख्तून यम है ना। नंबर 3 पे है नसीर आफरीदी का पश्तो मैशअप जा पख्तून यम, यानी जा मैं पख्तून, पख्तून यम हूं। वैसे जब से फेडरल में पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, एक ना एक पश्तो गाना टॉप 5 में जरूर होता है। असल तब्दीली प्योड़े आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। सॉरी, मैं बहुत पुराना हूं और बहुत सस्ता भी हूं। नंबर 2 पे है तूफान, ये वो है ना जो वो चीखे मार रहा है बाहर। जो भी वोकलिस्ट हैं शहरी भाई, इनके फेफड़ों के गुब्बारे बहुत बड़े हैं। सॉरी, अभी पिछले हफ्ते ही जॉन एलिया की सालगिरह या बरसी गुजरी है, इसलिए इस हफ्ते पटारी पिक ऑफ द वीक है निश्तर पार्क का नए और पुराने सवाल। यूं जो तकता है आसमान को तो कोई रहता है आसमान में क्या, कोई रहता है आसमान। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज तक जॉन भाई की शायरी इससे बेहतर कंपोज नहीं हुई। सारे नॉन सीरियस लेते हैं मुझे। बांधी कमरिया पे साड़ी के आई अब आंटी की बारी, आंटी नंबर 1 आंटी नंबर। नंबर 1 पे है कश्मीर का पुराना गाना और नया वीडियो ख्वाब। कॉमरेड ने भी इस गाने के इंटरवल पीस डिजाइन किए हैं उसको लाल सलाम। गाने से भी ज्यादा खूबसूरत इंटरवल्स हैं। फॉर द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी म्यूजिक डाउनलोड पटारी ऐप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज़बाइज। इकराम 25,000 रुपया फीस पे की है नादरा एग्जीक्यूटिव में पासपोर्ट की, और अंदर फोटोकॉपी मशीन नहीं थी। भाई तेरा बार रुलता रहा है, पैसे खर्च के भी मुकद्दर में अगर जिल्लत लिखी हो तो रोना ही है।